सो ऑल फ्रेंड, अगर फिर से बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जो है कि लॉन्चिंग डेट जो है बहुत ही पास आ रही है। हो सकता है कि ये मई में जो है कि लॉन्च हो जाए और जून में इसका जो है डिलीवरी भी चालू हो जाए। और जो है कि इसकी बहुत ही न्यू पिक्स आई हैं और जो है टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ पिक्स जो है कि स्पॉट की गई हैं, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। और इस पिक में जो है कि दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्शन पूरी जो है रेडी हो चुकी है और इस बार जो स्पाइड की है पीजन के साथ इसका पिक जो है स्पाइड किया गया है। और इस बाइक में इस बार लगा हुआ था एलॉय। जी हाँ, इसमें जो है दो वेरियंट मिलने वाला है, एक जो है स्पॉट बिल, एक जो है अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाला है। और इस बार जो एक्सपायर किया गया अलॉय व्हील्स आपको एक्सपायर किया गया है। और जो है इसमें आपको जो है ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक किए नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बाइक से जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो फ्रेंड, जो इसकी नई पिक आई है, इस पिक में जो है पता चल रहा है कि जो ये पीटियन सीट है जो जिस पर पीटियन बैठा है, ये आपको सीट जो है कि नया मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ग्रैब लैक बैक में आपको मिलेगा। अगर टायर टाइप्स की बात करें तो एलॉय व्हील में जो टायर टाइप्स मिलेगा आपको ट्यूबलेस मिलेगा, और जो स्पॉक व्हील्स में आपको टायर मिलेगा आपको इसमें जो है ट्यूबलेस टायर्स का नहीं रहेगा, आपको इसमें जो है ट्यूब वाला टायर मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके टायर साइज की। तो इसका जो फ्रंट टायर साइज रहेगा आपको 19x9 सेक्शन की आपको 19 इंच की जो व्हील्स मिल जाएंगी। अगर रियर की बात करें तो 120x18 सेक्शन का आपको 18 इंच का जो है इसमें व्हील्स मिल जाएंगी। अगर लाइटिंग की बात करें आपको इसमें जो है इसका हेडलाइट आपको जो है DRL मिल जाएगा, आपको जो है इसका इंडिकेटर आपको जो है इसमें LED मिलेगी। अगर मीटर की बात करें डिस्टर्बेंस एनालॉग मीटर मिलेगा, और आपको जो है 53 नेविगेशन सिस्टम भी आपको इसमें मिलेगा जो मेटियो 350 में मिलता है। और इंजन की बात करें तो वही सेम इंजन मिलेगा जो मेटियो 350 में मिलता है, 349cc का। अगर पावर की बात करें 20.2 BHP पावर देगी। अगर बात करें इसकी टॉर्क की 27 Nm को टॉर्क देगी विद 5-speed गियरबॉक्स के साथ। तो अभी तक इस बाइक से रिलेटेड हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन था, जितना था मैं आपके साथ शेयर किया। होप है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बाइक से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही बाइक से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।